यस, दिस डॉक्टर ज्योति हेयर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बिना मेडिसिन के अपना इलाज मशीनों और एक्सरसाइजेस के थ्रू करवा सकते हैं। कहने को कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, बट वो आपको मेडिसिन से भी रिलीफ नहीं दे पाती हैं, इसलिए आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी उसके होने वाले कारणों को ठीक कर सकता है। इसलिए आज की फिजियोथेरेपी इतनी डेवलप हो रही है। जैसे आजकल लोगों को घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इससे उनको फिजियोथेरेपी से ठीक करा जा सकता है। फिजियोथेरेपी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम छोटी है और उसको इग्नोर करते करते प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। इससे अच्छा है आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू अपना इलाज करवाएं और अपने शरीर को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। फिजियोथेरेपी कोई तुरंत रिलीफ नहीं देता है, इसमें पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये डीप उसका जो रूट कॉज है, जो जड़ से जो वो चीज़ होती है उसको ख़त्म करता है। इसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये कॉस्टली नहीं है। इसमें आप अल्ट्रासाउंड मशीनें, टेंस और बहुत सारी मशीनें होती हैं और पोस्चरल गाइडेंस के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये आप किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति ले सकता है। यदि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति का बैलेंस नहीं बन रहा है किसी भी कारणवश, कोई भी रीज़न हो सकता है, या किसी कोई बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, या वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसको एक्सरसाइजेस के थ्रू और बैलेंस ट्रेनिंग के थ्रू हम उस बच्चे को अपनी आगे की ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा डेवलप हो सके और अपने एक्टिविटीज़ जो डेली की हैं वो कर सके, इसलिए उसको एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं और उसको उसके काबिल बनाया जाता है ताकि फ्यूचर लाइफ आराम से जी सके। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप फिजियो फील्ड की और अपना रुझान दिखाएं और इंटरेस्ट दिखाएं और ख़ुद को आगे बढ़ाएं।